वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ खुशी को प्रैंक। अभी ऑलमोस्ट 7:45 हो रहे हैं, मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ टाइम से, जल्दी सो गया था कल। और अभी मैं जा रहा हूँ स्ट्रेट टूवर्ड्स जिम। जिम के बाद मैं कुछ सामान उठाऊँगा, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि मैं आज खुशी को क्या प्रैंक करने वाला हूँ। और लेट मी शो यू आ बिल्डिंग जहाँ पे हम रहते हैं। सो ये कार अभी पार्किंग में खड़ी है, नाउ वी आर लीविंग और अब चलते हैं जिम की तरफ। वेदर भी अमेजिंग होता है और मतलब पॉजिटिव वाइब्स होती हैं सुबह सुबह। ऐसा लगता है आज का दिन इट्स गोना बी वेरी प्रोडक्टिव, जल्दी उठ जाओ तो बहुत ही बढ़िया लगता है। आई वांट कि मैं डेली इतना ही जल्दी उठूं और ऐसे ही प्रोडक्टिव रहूं। वेदर तो मुंबई का आप सभी को पता ही है, इतना ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, ठंडा ही रहता है। दिल्ली में तो बहुत गर्मी रहती है और अभी खुशी सो रही है, खुशी को कोई आइडिया ही नहीं है क्या आज उसके साथ होने वाला है एक बहुत ही जबरदस्त वाला प्रैंक। सो स्टे ट्यून गाइस। सुबह सुबह रोडों पर भीड़ हो ही गई है, और मतलब भीड़ नहीं कह सकते बट लोग उठ गए हैं और सब अपने अपने काम के लिए निकल गए हैं। सो मुंबई देख लो गाइस, मुंबई की रोडें कभी शायद सही होंगी नहीं। मैं आज से 5 या 7 साल पहले इस एरिया में आता था, तब भी ऐसा ही था, आज भी सेम वैसा है। कोई भी रोड पता नहीं सही नहीं होती, क्या चक्कर है मुंबई में यार। फाइनली सनलाइट में हम निकले हैं सुबह सुबह बाहर निकल गए हैं गाइस। मैं तो ऑलरेडी उठ गया हूँ उसी बात पे, इतना मजा आ रहा है मेरे को। वाओ उफ, अरे अरे भाई ये देखो सामने वाली गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही है भाई। ये दिल्ली में तो सीन ही नहीं है अलाउड, बंद कर देंगे गाड़ी को उसी टाइम। बार बार दिमाग में ऐसा ही लगता रहता है कि यार दिल्ली में इतनी बढ़िया, मतलब अपने आप ही पता नहीं क्या दिल्ली हाइट दिल्ली हाइट होते हैं, चुल होती है अंदर। कंपेयर ही करते रहते हो तुम दिल्ली को बाकी स्टेट से और मेरे को तो दिल्ली का कोई तोड़ ही नहीं लगता भाई। दिल्ली मतलब दिल्ली तो अंत जगह है, बस एंड लेवल। मेरे को तो लग रहा था मेरे को मिल गई है जगह, बट गार्ड साहब बोल रहे हैं यहाँ नहीं लगा सकते, आगे लगाओ थोड़ा सा। तो अब थोड़ा आगे लगाते हैं जिम के। यहाँ कोई शोरूम है कार का, उस वजह से। सो गाइस मेरे को एकदम से घर आना पड़ा, खुशी की तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी उसको, तो मैं कुछ दवाइयाँ लेके आया। आई कॉल्ड माय फ्रेंड, वो डॉक्टर है, तो उनसे पूछा एंड अभी कुछ दवाइयाँ लेके आया मैं फार्मेसी से। अभी उसने खाई है तो शिल स्लीप, तो इसीलिए मैंने अभी प्रैंक नहीं किया उस पर। मेरे को जाना फार्मेसी भी था कुछ पट्टियाँ वगैरह लेने, बट हो नहीं पाया क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होगी, तो मेरे को एकदम से भागा भागा जिम से आना पड़ा। कार्डियो भी मैं पूरा नहीं कर पाया, तो अभी वो सुन ना ले इसलिए धीरे बोल रहा हूँ। उसके बाद अब शाम को करता हूँ उस पर प्रैंक, जब उसकी तबीयत सही हो जाएगी, अगर नहीं तो फिर कल करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, बट अभी ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको घर में क्या चल रहा है सारा कुछ दिखाऊंगा, ऑल अबाउट द मुंबई हाउस जिसमें हम मुंबई में आके रहते हैं। गाइस सोफे वाले भैया आ चुके हैं। भैया अब क्या कह रह गया है, फिर ऐसा दिखेगा? बढ़िया लग रहा ना। सो गाइस ये है न्यू कलर ऑफ आवर सोफा, इंटीरियर के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। अभी वॉल्स एंड एवरीथिंग भी पेंट होना है, ये भी पेंट होगा। ये सारा काफ़ी पुराना हो गया है बहुत टाइम से, तो सारे में पेंट होना है, डीको होना है और काफ़ी कुछ होना है। सोफ़ा फ़िलहाल हो गया है, वो वाला सोफ़ा कट के पफी बन जाएंगे इस साइड पे, ये वाला ट्रेडमिल पीछे चला जाएगा, एक चीज़ आ जाएगी जिससे डिफरेंशिएट हो जाएगा। और अभी हमारी हाउस हेल्प आ जाएगी थोड़ी देर में, उसके बाद आई विल हैव समथिंग। भूख लग रही थी मेरे को, अभी फ़िलहाल तो मैंने खा लिया है अपना चिकन ब्रेस्ट मंगा के बाहर से। अभी जब हमारी हाउस हेल्प आ जाएगी पिंकी, उसके बाद हम
मैं अपने अंडे खाऊंगा, खुशी शायद ओट्स वोट्स कुछ खाएगी। दवाई लेने के बाद से खुशी की तबीयत थोड़ी सी बेटर हुई है, अभी उसको सही लग रहा है, अभी वो सो गई है दोबारा ताकि थोड़ा बेटर लगे, दवाइयों की वजह से थोड़ी नींद आ जाती है। वेदर बढ़िया है, मतलब धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही है, अभी मौसम थोड़ा ठंडा है। ये सब स्लम्स एरिया है, ये सारी बिल्डिंग्स है, दिस इज़ हाउ मुंबई इज, स्लम्स हैं एंड मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। ये अपनी बिल्डिंग का पूल है, वो जिम है, नीचे बालकनी है किसी और की। बढ़िया हो जाएगा ना भैया, कट के पफी बन के कि आप तो टेंशन में लग रहे हो, कुछ दिक्कत हो गई क्या? बनाने के बाद दिक्कत हो सकती है, लकड़ा नहीं है इसमें ज्यादा ना, लकड़ी नहीं है, लकड़ी है तो इतना सारा तो दर्द है, तो ये सब काम नहीं आएगा, ये कुछ नहीं काम आएगा, यहाँ काटा होगा तो इसके सपोर्ट में लकड़ा चाहिए, तब जाके वो सपोर्ट में बेस कर पड़ेगा। तो फिर क्या करोगे आप, लकड़ा थोड़ा ऐड कर देना, उसको बोल दो पीस में बना दिए, दो पीस, दो ही चाहिए, पफी जैसा होता है पफी चाहिए, ये मतलब ऐसा नहीं चाहिए जैसा ये है, बस दो पफी चाहिए क्योंकि हमको नीड नहीं होती ज़्यादा, लोग होते नहीं घर में, सिर्फ हम दो ही होते हैं, तो कोई आ भी जाता तो दो और आ जाएंगे, तीन और आ जाएंगे, तो मैक्स है पांच बंदों के लिए, फाइव सीटर बहुत है। अभी ये बड़ा है, अपने को नीड नहीं है, कोई आता ही नहीं है, और जगह कम है क्योंकि मुंबई में छोटे ही होते हैं घर, मुंबई में छोटे ही होते हैं घर, 18 इंच ही बहुत है, हाँ चौड़ा कर दो, दिखाओ कितना हो गया लगभग चौड़ा, ये 18 इंची हो गया ये, हाँ 20 इंची लेंथ हो जाएगी, 18 इंची विड्थ हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगा। सोफा इज लुकिंग रियली नाइस, ये अभी वॉलपेपर चेंज होना है, यहाँ पे हम वो न्यू स्टाइल का सब करा देंगे। सो गाइस, सोफा फिलहाल ऐसा लग रहा है मैच है पूरा, बस ये वाली वॉल थोड़ी सी चेंज होगी। सो फिलहाल किचन ऐसी लग रही है, बट ये पूरी की पूरी किचन एकदम न्यू तरीके से मॉड्यूलर एंड एवरीथिंग होके परफेक्ट करा देंगे, रेड वेड कुछ नहीं रहेगा, ये सब पुराने स्टाइल का 10-15 साल पुराना वो वाला स्टाइल का कुछ भी नहीं रहेगा, सारा कुछ न्यू हो जाएगा। ये वाले पूरे एरिया में बैकरेस्ट लग जाएगा और ये सब साफ हो जाएगा, हट जाएगा, ये एरिया सही है बट सारा पेंट पेंट एंड एवरीथिंग दोबारा से होगा। ये बेड का बैकरेस्ट बन जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। अभी भैया सारी चीज़ों का नाप ले रहे हैं, इस रूम सारा कुछ हो जाएगा बट हम एक एक हॉल पहले करेंगे फिर एक रूम करेंगे, ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं क्योंकि वी स्टे हियर, तो एक एक करके सारा कुछ रेनोवेट कर देंगे, पहले ही रेनोवेट कर चुके होते हैं बट एक्चुअली हम 8-10 महीने से तो दिल्ली में ही थे, पूरा घर बंद पड़ा था, अब सारा रेनोवेशन हो जाएगा। यहाँ पे इधर वाले पार्ट पूरा निकल जाएगा, लाइट लगेगी साइडों में, मतलब बैकरेस्ट होगा, बैकरेस्ट के पूरा कॉर्नर पे लाइट आएगी, हाँ। पीछे वाले में भी एक और ऐड होएगा, एक एक पीस ले जाओ उनका मैच का, एक एक पीस ले आओ, हाँ एक एक ले जाओ ना, वही तो बोल रहा हूँ, एक एक पीस दोनों का ले जाओ, उससे मैच करके ले आओ। बंद नहीं हो रहा था, वो प्रॉब्लम ये थी कि ये शायद पूरा खिंच रहा था ना, खिंच नहीं रहा था उतना, अब ये पूरा का पूरा पूरा फुल हो गया है तो जरूरत ही नहीं है तीसरे वाले एक और ऐड कराने की, पीछे वाले का भी ऐसा ही कर दो ताकि वो भी पूरा बंद हो पाए, पूरा बंद हो जाएगा तो नीड ही नहीं रहेगी एक और लगाने की, क्योंकि ये ये कर्टन्स तो एकदम नए ही हैं पूरे थीम वाले। मैंने बढ़िया काम कर दिया क्लिप लगा के, अब अपने को एक एक एक्स्ट्रा वो नहीं लगाना पड़ेगा पर्दा, पूरे का पूरा बंद हो रहा है, वेलक्रो लग जाएगा बीच का तो फिर वो भी बंद हो जाएगा पूरा ही, और वैसे हो ही गया है पूरा, बीच में हल्का सा जो वो आ रहा है लाइट आ रही है जो पीछे वाले पर्दे से, यहाँ पे वेलक्रो लग जाएगा तो एकदम ऐसे चिपक जाएगा जब भी चिपकाना होगा। रात को कब तक मतलब ऐसे दुकान खुली आपकी? ठीक है 10 बजे आते हैं भैया, ओके बाय, थैंक यू। तो आप देखो गाइस कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा इंटीरियर से मैच हो रहा है और लुकिंग रियल नाइस,
पर्दे भी एकदम सॉर्ट करा दिए हैं और हम किचन का भी करा देंगे सारा रेनोवेशन। क्यों मोटो? मेरे पास कुछ थीम्स हैं मेरे माइंड में, तो वो वाली बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये रेड और टाइल्स वाइल्स ये सब हटवा देंगे। मतलब इस पूरे घर में अभी मुझे एक ही चीज जो नहीं ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज वी हैव लाइक ह्यूज यू नो सी ऐसी 6-7 तो मशीन्स है हमारी जो डेली यूज में हमारे को चाहिए ही चाहिए। दिस इज द कॉफी मेकर, दिस इज एयर फ्रायर, दिस इज माई माइक्रोवेव, दिस इज सम फूड प्रोसेसर एंड मिक्सचर एंड दिस इज द टोस्ट का। तो वो सब हो नहीं पाता। मतलब ये सारा मतलब बिकॉज इट वॉज मेड 10 years back, 10 साल से यू ओन दिस हाउस, राइट? पहले दिस हाउस वाज रिनोवेटेड, आई मीन यू नो इट वाज फ्रेशली मेड दैट टाइम एंड नाउ इट्स टाइम टू रीडू द होल हाउस। बट वी बिकॉज वी बोथ आर स्टेइंग इन द सेम हाउस एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू लाइक शूट ऑल्सो डू एवरी थिंग, तो एक साथ में पूरा घर अभी हम नहीं तोड़ सकते हैं बिकॉज यू नो अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। अभी हमने ऑल्सो एंड एवरीथिंग, सो व्हाट वी विल डू इज वन बाय वन we will be renovating things because we are already staying in a house. तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम एक चीज करते जाएंगे। अभी हमने सोफा किया है, मेरा बेडरूम का हेडरेस एंड एवरीथिंग वाज मेस्ड अप, वो सब करेंगे अभी, और ये वाला किचन का भी करेंगे, अंदर का वो भी करेंगे, मॉड्यूलर करेंगे, न्यू वे से उसे बनाएंगे। अभी वो बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी इसके अंदर ना। हम इसको पूरा शुरू से भी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम जो हमने दिल्ली के अंदर अभी दो फ्लैट बुक कर दिए हैं, एक जिसमें हम शिफ्ट हो जाएंगे, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। तो इसीलिए वो पूरा का पूरा नया बनेगा एंड वी विल शिफ्ट देयर मोस्ट प्रोबेबली, तो इसीलिए हम इसमें इतना ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। और प्लस यहाँ पर बॉम्बे में भी अभी वी आर गोइंग टू अपग्रेड द हाउस, सो बॉम्बे वाला जो घर है वो भी हम नया ले रहे हैं, एक और घर हम ले रहे हैं, सो वी आर हंटिंग फॉर इट राइट नाउ। मतलब हमारा दिल्ली में तो ऑलरेडी भी है बट अभी हमने दो और ले लिए, एक में हम शिफ्ट हो जाएंगे मेजरली और एक हम मुंबई के लिए भी रखेंगे। हाँ, एक जो हमने दूसरा रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए वो बस पार्टीज एंड ऑल के लिए हमने लिया है, वो भी मैं डालूंगा इसमें क्लिप्स कि वो कैसा दिख रहा है एंड क्या है। जो अभी क्लिप आपने देखी, ये पूरा का पूरा फ्लैट वो है जिसको हमने दिल्ली में बुक किया है जहाँ हम शिफ्ट होंगे, एंड ऐसा ही एक और हमने बुक किया है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, या उसको हम पार्टी भी कर सकते हैं उसमें। सो दिस वाज दैट, वी विल डू द पार्टीज ओनली, मुझे नहीं लगता हमारे से कुछ इन्वेस्ट हो पाएगा। गाइस, ये जो आपने लास्ट फोटोज देखी है मेरे पेरेंट्स की है, हम लोग मुंबई आ गए हैं, दिल्ली से मुंबई आ गए थे तो इसलिए हम फोटोज क्लिक नहीं करा पाए, दैट्स व्हाई यू सॉ माय पेरेंट्स पिक्चर। डिनर आ चुका है, खुशी ने गरम कर दिया है फाइनली, तो अब आई विल जस्ट हैव दिस। आई में पता नहीं कुछ हो गया, एक तरफ की आंख रेड रेड हो गई है, आई डोंट नो व्हाई। सो आई विल जस्ट हैव डिनर, आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं क्योंकि अब बहुत सारे दिन से हम काम करा रहे थे, बहुत ज्यादा थक गए हैं। नाउ आई विल जस्ट हैव माय डिनर, एंड मतलब डिनर नहीं है, शायद सेकंड लास्ट मील है, इसके बाद आई विल हैव प्रोटीन 2-3 घंटे में, फिर आई विल स्लीप। अभी कुछ एडिटिंग का काम करेंगे, बट लेट्स कॉल इट अ डे। See you guys in the next vlog. Thanks for watching. Love you guys.